आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं जीटी इंफ्रा स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक को लेकर के बहुत सारा क्वेरी आते हुए दिख रहा है। इससे स्टॉक का फंडामेंटली तो मैंने हमेशा कहा है कि फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है कि 100-200 तक के टारगेट्स दिखे। हालांकि इतना भी बुरा नहीं है कि इस स्टॉक में एक लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया जाए। ओवरऑल सबसे पहले हम देखेंगे कि इस स्टॉक का ओनर कौन है। तो शायद आपको पता हो कि इस स्टॉक में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का होल्डिंग लगभग 50% से ज़्यादा का है। तो ओवरऑल जो ओनर है इस स्टॉक में, ओनरशिप आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो जब भी किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट जाते हैं तो आपसे हमसे ज़्यादा उनका पैसा लगा होता है, उनका ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। और ओवरऑल देखेंगे तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब भी कभी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 1-2 रुपये की गेंद के लिए नहीं करते हैं। ओवरऑल इस स्टॉक में देखेंगे टेक्निकली तो 1.50 रुपया, 1.60 रुपया के आसपास के प्राइस पर स्टॉक होते हुए दिख रहा है। और अभी भी इस स्टॉक में मोरथान 70% तक की डिलीवरी बॉय होते हुए दिख रही है। प्रश्नावली रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप ऑलरेडी 2 रुपये और 50 पैसे के प्राइस पे स्टक है तो यहाँ एवरेज आउट करने की गलती नहीं करें। मुझे पता नहीं है क्या आपका क्या रिस्क कैपेसिटी है, आपका क्या टोटल फंड है। इसलिए अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट का लगभग 8-10% मैक्सिमम अगर इन्वेस्ट कर दिया है तो यहाँ एवरेज आउट करने की गलती नहीं करें। अगर आप फ्रेश बुकिंग करना चाहते हैं तो श्योरली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ 1.30 रुपये का स्टॉप लॉस लगा करके बाइंग किया जा सकता है। रिस्क मैक्सिमम इस स्टॉक में -10% तक के हैं और रिवर्ट आपको इडली यहां से 4050% तक का दिख सकता है, क्योंकि ओनरशिप जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का है वो इतना जल्दी लूज नहीं करने देंगे। और बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर है उसका प्राइस आपको अगले नेक्स्ट 626 मंथ टू 1 ईयर में दिखेगा। जी इस प्रकार से बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज आते दिखे हैं। साथ में ही एक दूसरा स्टॉक जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा वो है रेडिंगटन। रेडिंगटन में भी हमने देखा कि इस मार्केट के कलेक्शन में भी स्टॉक एक स्टॉक लिमिट होती दिख रहा है। इस समय 6210 के आसपास का प्राइस है। 180 के ऊपर के क्लोजिंग पोजिशनल स्टॉक में आराम से 20-30% तक का तेजी दिखने वाला है। आप चाहें तो 162 के आसपास के प्राइस स्टॉक को बाइंग कर सकते हैं। 150 स्टॉप लॉस को लगा करके पहला टारगेट 180, 185 और दूसरा टारगेट उसे स्टॉक में 250 का विदिन 6 मंथ्स ड्यूरेशन के लिए सोली दिखने वाला है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक रेडिंगटन।